होना और इतना बड़ा पैसा देना। कोरोना वायरस के संक्रमण से आम लोगों को बचाने के लिए सभी शहरों के अंदर सैनिटाइजर से छिड़काव किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिवनी के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले के अलग अलग शहरों में इस छिड़काव का काम तेजी से शुरू करवा दिया है। इसके साथ ही खुद कलेक्टर कई ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, उन्होंने हालातों का जायजा लिया और साथ ही कलेक्टर की माने तो सिवनी क्षेत्र से अभी तक कोई भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। लोगों तक राशन और जरूरी वस्तुएं पहुंचाने का सिलसिला भी प्रशासन ने तेज कर दिया है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सब लोग भी शामिल है, वो निकटतम थाने में सूचना देंगे। ऐसे व्यक्ति जो होम आइसोलेशन का पालन नहीं कर रहे, हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि आज की तारीख में सिवनी जिले में कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, और यदि कोई होगा तो भी हम लोग पूरा जो स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, उसका समुचित इलाज कराएंगे, और जो जो व्यक्ति उसके संपर्क में आया होगा उनका भी पूरा इलाज कराने की स्थिति में हम लोग रहेंगे। सभी से अनुरोध है, डरे नहीं, सजग रहें, सतर्क रहें। कोरोना वायरस सबको पता है एक वायरस से होता है, और वायरस जो बेसिक साइंस के स्टूडेंट सब जानते हैं, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस में कोई दम नहीं है, वायरस को दम इंसान देता है। जब वायरस किसी इंसान के संपर्क में आता है तब उसमें पावर आती है, वरना वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस कुछ भी नहीं है। तो यदि इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा, यदि सिवनी का नागरिक घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो वायरस अपने आप किसी सरफेस पे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे रह के खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि हम इस वायरस को बल ना दें, क्योंकि ये वायरस आरएनए वायरस है, ये हमारे शरीर के संपर्क में आएगा तो ही ये पावरफुल होगा, वरना कोई पावरफुल नहीं होगा। हम लोग अपने घरों पर रहें, वायरस की चेन को तोड़ें, जहां तक हो आइसोलेशन में रहें, अपने अपने किसी भी कीमत पर जो लॉकडाउन के प्रिंसिपल उसको ना तोड़ें, और इस महत्वपूर्ण घड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है होम आइसोलेशन। जितना हम आइसोलेट रहेंगे, जितना हम घर पे रहेंगे, आपने उतना अच्छा काम देश के लिए किया।